हमारा तिरंगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये हवा का वजह से गिर गया हुआ है, इसको निकाल के ऊपर रख देता हूँ। Hey, first village of India. ये इंडिया का पहला गांव है, देखो। और वो वहाँ पे दिख रहे ना आपको, वो जो है चाइना है, आप सबको दिखाता हूँ। शायद मेरा फोन में विजिबल नहीं होगा, वो देखो तीना दिख रहा, तीना व्हाइट व्हाइट वाला, वो है चाइनीज। मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई वीडियो पर। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 2:30 एंड जस्ट उठा हूँ एंड टॉयलेट गया और अभी नहाने आया हूँ हॉट स्प्रिंग पे। दिखाओ, ये है हॉट स्प्रिंग डोंग वैली का, देखो। एंड अभी हम लोग सुबह उठने का कारण है, हम लोग जाएंगे डोंग ट्रेकिंग। तो फर्स्ट सनराइज देखने जा रहे हैं। आज बारिश तो नहीं है, होप आज धूप आएगा तो वहाँ से सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। एंड अभी दोनों जो है सो रहा है, आनंद भैया उठ के ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हमारे लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहा के फिर जाऊँगा। देखो गरम गरम, वाओ इतना फ्रेश पानी यहाँ अच्छे से वो बना के रखा हुआ है। तो थोड़ा डर भी लगता है लेकिन नहाऊँगा, अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे। चलो नहा के आ गया, ठंडा ठंडा। ओ भाई सभी लोग सो रहा है, अभी सुबह सुबह डर भी लग रहा है, भूत मैं नहा के आया हूँ। ये देखो पूरा अभी लाइट जल रहा है यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग सब सो रहा है। चलो चलो चलो, ये है एडवेंचरस लाइफ, मजा आएगा। यार देखो सुबह सुबह आनंद भैया ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, हम सब के लिए। हाँ देखो इतना जरा एक्टिव है एंड दोनों भैया जो है सो रहा है अभी तक, दोनों जो है थोड़ा लेट से सोया है एंड हम दोनों ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। 2:10 में उठ गए थे हम दोनों, देखो। हाँ और भाई जी कैसा लग रहा है? ठीक है। और गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। हाँ तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग करने। फिलहाल अभी देखो मैं नहा लिया, देखो ओहो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सो रहे दोनों, हम दोनों यहाँ पे सोया था भैया, हम दोनों ब्रेक ब्रेक को ले लेते हैं पहले। नहा धो के चेंज कर लिया, अभी बस ब्रेकफास्ट ले रहे हैं हम लोग। ये देखो ब्रेड और यहाँ पे है चाय, तो ये खा पी के हम लोग निकल जाएंगे डोंग ट्रैकिंग की ओर। फर्स्ट सनराइज इन इंडिया आप सबको दिखाऊंगा, तो वहाँ का सुंदरता भी दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर व्यू है। एंड वहाँ पे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना ऑलमोस्ट 2 आवर्स का 1 आवर्स का जर्नी होगा, ट्रैकिंग होगा अपना, तो दिखाऊंगा। और आज बहुत कुछ जाना, आज कहो जाना है, चिबिठो जाना है, तो बहुत सुंदर सुंदर जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज ना। एंड चाइना बॉर्डर जाने वाले, मेन जो वहाँ से चाइना दिखा देता है ना, वो चीज़ को हम दिखाएंगे आप सभी को। ओके तो बने रहे, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर से कर देना। ऑलराइट सभी लोग अभी रेडी हो गया है, देखो हम भी रेडी हो गया और आ रहे पीछे में हमारा कमांडो लोग। हाँ आ जाइए कमांडो। जय हिंद। जय हिंद। हाँ जय हिंद साहब। जय हिंद। हाँ और आ रहा है पीछे, तो फिलहाल सब कुछ रेडी हो गया। ये देखो चाकू को ले लिया एंड देखो टॉर्च वगैरह। तो आज का ट्रैकिंग जो है, आज का डे जो है शुरू करते हैं। चले चलते हैं। आप अभी बच रहा है सुबह का 2:30। सुबह सुबह उठ के हम लोग डोंग वैली के लिए निकले थे, लेकिन एक जगह पे रास्ता छूट गया हमारा। देखो अभी हम लोग कहाँ आ गए, देखो ये नया रोड कटिंग पे आ गया, मतलब एक जगह छूट गया था। एंड हम लोग का जो गाइड जो है आया नहीं है, हम लोग सुबह 2 बजे को उठ गया था, लेकिन हम लोग का गाइड जो है एक रात को ना एक गाइड को बात किया था भाई को, तो बोला सुबह आ जाऊंगा, बोला तो आया नहीं है वो। तो हम लोग खुद से आ गया था, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं है, हमको भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो आने में तो आता है लेकिन सिर्फ बलोंग तक आता था, गर्म पानी तक। तो यहाँ कहो तो इधर दोंग वैली तो आया नहीं कभी भी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम पहले पसंद आए तो उल्टा ही हो गया। कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी आज धूप तो नहीं निकला है, फर्स्ट सनराइज तो देखने नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रैकिंग करने व्यू देखने के लिए तो हम लोग जा सकते हैं ट्रैकिंग। तो फिर से रास्ता ढूंढते फिर आगे वापस निकल रहे हम लोग रिटर्न। तो देखो और देखो दोनों पीछे पूरा नींद में सुबह सुबह उठा के आए हैं।
देखो नया कटिंग। अभी हम लोग एक जगह पे है, शायद यहीं से वो है डोंग वैली जो ट्रेकिंग होता है थोड़ा आगे से। तो ये लोग यहाँ का गांव वाला बोल रहे हैं कि बिना गाइड में नहीं जाना है, यहाँ का जो लोकल्स है उसके साथ ही जाना है बोला। अच्छा बात है, लेकिन हम लोग कल गाइड के लिए बोला था लेकिन गाइड जो है आया नहीं। 2 बजे को उसको आना था लेकिन 3:30 कुछ हो गया था, वो आया नहीं, इसलिए हम लोग अकेला निकल गया था। तो बस आंटी को रास्ता पूछा था कहाँ जाता है, तो आंटी बोला रास्ता तो बता देगा लेकिन अकेला नहीं जाना है बोला है। तो हम भी लोकल्स हैं लेकिन मुझे भी नहीं मान रहे, ये क्या सिस्टम है। कोई बात नहीं, उन लोगों का आलिंग हो जाता है तो अच्छा बात है, पेट वो होता है ना। तो अभी रुक रहा हूँ, वो लोग कब आ रहा है, एक भाई आ रहा है बोलते हैं वो गाइड करने के लिए। तो कितना लेता होगा पता नहीं, पूछना पड़ेगा। लेकिन देखो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है ना, वाओ। ट्रैकिंग वाला अभी तो लेट ही हो गया क्योंकि 6:30 हो गया अभी, तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सनराइज़ वगैरह। बस आपको व्यू थोड़ा सा दिखाई देगा वहाँ पे, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ और भैया को थोड़ा सा घुमा देगा, ठीक है। तो फिर कभी भी आऊँगा दोस्तों के साथ में, तब अच्छे से दिखाऊँगा आपसे। फिर ये बोल रहा कि एक आदमी का 500 है, तो हम लोग 4 है तो 2000 कुछ चला जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, हम तो नहीं जाएंगे तब तो कैंसिल। 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत दूर, मतलब तकलीफ तो है लेकिन 500 भी ज़्यादा हो गया ना हमारे लिए। या देखते हैं भाई आने तक, पहले बात कर लेते हैं कितना लेता होगा, थोड़ा डिस्काउंट करने से जाएंगे। अभी तो फिलहाल ज़्यादा लेगा तो नहीं जाएंगे फिर। सुंदरता अंजाव डिस्ट्रिक्ट का ये देखो। काफ़ी देर रुका है यहाँ पे ना गाइड को, तो गाइड भी नहीं आया, चलो अभी लेट ही हो गया। जगह तो यहाँ पे भी सुंदर ही है देखो, तो ऊपर जाने से भी सेम ही होगा। अभी सनराइज तो हम लोग देख नहीं सकेगा क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी, तो देखो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो में तो अभी कोई बात नहीं ना, पहले नेक्स्ट टाइम अलग अलग। अभी हम लोग जाएंगे कहो कहो देख के आते हैं। ये देखो वेरी डेंजरस रास्ता, ये देखो ये छोटे छोटे रास्ता, यहाँ पे पूरे पत्थर देखो, इतना सुंदर से पत्थर। एंड यहाँ देखो नदियाँ बह रहा है, डायरेक्ट नीचे खाई है। ये हम जाएंगे हैंगिंग ब्रिज पर, ये देखो रोड के ऊपर भी हैंगिंग ब्रिज, वहाँ तक यहाँ से लेके वहाँ तक, और यहाँ पे है रोड, यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेकिंग करना होगा वहाँ तक, एंड वहाँ से यहाँ जाना होगा उस पर। और यहाँ पे है रिवर, देखो रिवर बैंक, काफी डरावना है। तो लाइट्स चलते हैं अभी। बहुत ज्यादा सुंदर है गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर, देखो नदी। चलो चलते हैं अभी। फाइनली पहुंच चुके हैं कहो विलेज, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये जो है कहो को जो है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम पे दिया गया है। तो देखो आप सभी को जगह दिखाता हूँ, काफ़ी इतना सुंदर है। ये है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, ये है इंडिया का पहला गांव है देखो। और वो वहाँ पे दिख रहे ना आपको, वो जो है चाइना है, आप सबको दिखाता हूँ। शायद मेरा फोन में विजिबल नहीं होगा, वो देखो तीना दिख रहे, तीना वाइट वाइट वाला, वो है चाइनीज, चाइना हमारा दुश्मन।
तो ये है अपना कहो। वो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हम लोग, तिनाई विनाई कहाँ कहाँ जाके आया, तो हम लोग सोच रहे यहीं पे वो करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। मैगी बनाने दिया है ना, बनाने दिया क्या भैया? अच्छा चलो यहीं पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट और हाँ थोड़ा सा देख लेंगे इस गाँव को। हेलो भाई जी, आप कहाँ, यहाँ का है? डिग बॉय। अच्छा घूमने आए आप यहाँ पे? नहीं नहीं हम लोग काम चल रहा है। ओ अच्छा काम चल रहा है। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। और आगे भी जाके देखेंगे, और बोल रहा था कि ऊपर भी व्यू पॉइंट है, तो हम सोच रहे व्यू पॉइंट जाएंगे और वहाँ पे चाइना को देखेंगे। वहाँ पे कुछ देखने के लिए देता है बेनेकुलर, तो उसको देखेंगे हम लोग चाइना का। सिर्फ चाइना विलेज देखेंगे, चाइना को नहीं देखेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट विलेज ये है, ऐसा है, और ये फ्लैग गिर गया। अरे यार फ्लैग को नहीं गिराना चाहिए, फ्लैग को उठाना चाहिए हमेशा। तो मैं फ्लैग को बांध देता हूँ। हमारा तिरंगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये हवा का वजह से गिर गया हुआ है, इसको निकाल के ऊपर रख देता हूँ। तो इसको निकाल ही देता हूँ ना, क्योंकि झंडा हमारा तिरंगा को अच्छे से रखना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से लहरा देता हूँ यहाँ पे ना। ये कहाँ जली फंस गया यार। हाँ चलो हो गया। ये है अपना शान तिरंगा, तो इसको ना अच्छे से रखना चाहिए। फ्लैग को यहाँ रख देता हूँ अच्छे से। चलो अभी हम लोग का मैगी बन रहा है यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पे खाएंगे हम लोग मैगी। और वो देखो शशु मतलब खाओ मैगी शशु। हाँ देखा है दीदी। तो आप भी आ गए अभी मेरा, आप भी आ गए अभी मेरा यूट्यूब पे, अभी आप खुद को देखो। अच्छा अच्छा थैंक यू दीदी देखने के लिए। तो देखो चाइना बॉर्डर पे हमें मैगी मिला, चलो खाते हैं अभी मजे से ब्रेकफास्ट। इसको बढ़िया से खाया मैगी, एकदम पेट भर गया, बोरी ज़्यादा टेस्टी था। दीदी ने बहुत प्यार से बना दिया। हाँ ये देखो ये है दीदी का शॉप, एंड दीदी जो है मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियोस देखता है बोले। एंड गाइस जब भी आप आते हैं ना दीदी का यहाँ पे विजिट कीजिएगा। यहाँ पे एक ये लोटा वो है होटल है, जहाँ पे आप होटल वो भी नहीं दुकान ना, हाँ यहाँ पे मैगी वगैरह आप मतलब रिक्वेस्ट करके तो बना देता है ऐसा है। तो हम लोग बोला है बना दे वगैरह, तो बना दिया। हेलो बेटी क्या नाम है आपका? मानवी। अच्छा पढ़ाई करते हैं आप? जी। कितना क्लास पे हो अभी? क्लास वन। क्लास वन ओके अच्छा से पढ़ाई करो। हाँ अच्छा तो यहाँ पे रहने का जगह भी है, आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। दीदी का यहाँ पे रूम्स भी है, तो यहाँ पे देखो होम स्टे नहीं बोलेगा ऐसे दीदी ने बना के रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रूम्स जो है, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी जाएंगे हम टॉप पे, वहाँ पे वहाँ से हम लोग चाइना व्यू देखेंगे। हाँ यहाँ से थोड़ा आगे ही जा सकता है, वहाँ उससे आगे रास्ता नहीं है। ऊपर जाएगा दीदी, इससे आगे गांव तो नहीं है ना अभी? आगे आगे नहीं है ना, और यही फास्ट बोलेगा ना। हाँ ये है, हाँ देखो दीदी जो यही का है, तो ये है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया काहो। हम लोग टॉप में जा रहे हैं, वहाँ जाके ना चाइना को देखेंगे, वहाँ पे चाइना का जो वहाँ पे दिख गए ना उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, कैमरा जो है ऑन नहीं कर सकेगा शायद, आप सबको नहीं दिखा पाऊँगा। फौजूले है ना, फौजूले का वीडियो कैमरा ऑन नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा ट्रैकिंग करना होगा हमें। ये है कहो, देखो गाइस टॉप से मैं देख पा रहा हूँ नीचे, ये है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड वो पार्ट देखा ना, वहाँ पे इंडिया और चाइना मीटिंग होता है, देखो वहाँ पे मीटअप होता है वहाँ पर। वाह रेड वाला, और वो वहाँ चाइना चाइना है वो सर। चलो अभी नीचे चलते हैं। चले गाइस, और भैया अपना बेनोकुलर ना क्या बोल रहे हैं लेके आ जाए साथ में, बहुत अच्छा है ये जो ना, देखो बहुत क्लियर है इससे ना देखने के लिए। तो हम लोग काफ़ी देखा चाइना को, बस चाइना आदमी नहीं दिखा है,
घर वगैरह अच्छे से दिख रहा था। हम लोग तो चना चनीस लड़की ढूंढ रहा था देखने के लिए, पर मिला नहीं है। अभी वापस जाएंगे, हो गया अपना घूमना फिरना। कैसा लगा चना चना देख के? कैसा लगा दुश्मन का देश देख के? अच्छा लगा। अच्छा लगा, गुस्सा नहीं लगा आपको? गुस्सा लगा ना? अच्छा, चना लोग बहुत करीब आ गया हुआ है। थक गया। और यहाँ पे ना एक गोम्पा मंदिर है, देखो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, यानी कि टिबेटन लोग। और 1962 में तो ये जो है यहाँ पे पूरा चाइनीज आ गया था, चाइना पूरा कवर कर मतलब कैप्चर कर लिया था एक समय तो, लेकिन हमारा इंडियन आर्मी ने ठीक किया फिर से और कैप्चर कर दिया। देखो फिर बन गया फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया का, हो ये देखो। एंड यहाँ पे ना सब चीज़ होता है, एप्पल होता है, सब्जी वगैरह जो हमारा भी होता है उसी तरह, हाँ कद्दू वगैरह, बीन्स, मिर्चा सब होते हैं। आप सबको दिखाना भूल गया, टमाटो वगैरह। थोड़ा पहले हम लोग बागान पे गए थे मतलब देखा था, तो सब चीज़ होता है, ये अदरक आलू वगैरह सब होता है यहाँ पे ना, मट्टी बहुत अच्छी है यहाँ का। हाँ देखो मकई वगैरह वहाँ पे खेती बनाया हुआ है, धान मकई पानी खेती। हाँ तो गाइस आप सभी को आने का मन है तो आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे ना आप रहने के लिए होम स्टे भी है और आप अपना टेंट लेके आ भी सकते हो। यहाँ पे होम स्टे दो तीन जगह है, तो आप यहाँ पे आके पता लगा सकते हो कितना प्राइस है उनका। तो हाँ यही है, काफ़ी ज़रा सुंदर है। एंड हाँ हाँ भैया बोलिए। हाँ रास्ता तो काफ़ी दूर है, लेकिन आपको सुंदर जगह देखना हो तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ तो कैसे अलग रहे फर्स्ट विलेज में आके आपको? एकदम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, और सीनरी भी बहुत अच्छा है। सीनरी बहुत सुंदर है ना भैया? तो ये है हमारा फरारी, इसी में जाएंगे फिर से, और वहाँ पे है आनंद भैया देखो। तो यही है गाइस, और चना उधर पे देखो सब सामान अवेलेबल है देखो। तो आप खाने पीने में कोई चिंता नहीं कर सकते, यहाँ अवेलेबल है मैगी वगैरह सब, बस प्राइस में थोड़ा डिफरेंट होगा, वहाँ 10 बोलेगा तो यहाँ 20 बोलेगा इतना शायद ना भैया। हाँ ये देखो, यहाँ देखो मानवी हाई करो एक बार। हाँ मानवी अभी हमें अपने बगान की ऑर्गेनिक टमाटर देने जा रहा है, होगा दे दो आप अपने हाथ से। हाँ हाँ देखो, सो क्यूट गर्ल मानवी, अच्छे अच्छे लोग दे दो। हाँ बढ़िया से, अभी हम लोग जाके ना खिड़कीलम में जाके इसको पकाएंगे बढ़िया से। तो देखो मानवी अपना बगान का इतना फ्रेश फ्रेश देखो ना, वाह गाइस ये एकदम लोकल है, विदाउट मेडिसिन है, एकदम लोकल। तुम भी डालो। और ये अपना बगान का है ना, ना मानवी? अच्छा क्या क्या खेती करते हैं आप लोग? आलू और टमाटो और मिर्चा। अच्छा और एप्पल होता है यहाँ पे? नहीं होता है, एप्पल खाने को मिलता है? ओ होता है ना, हो जाएगा अभी इतना हो जाएगा, काफ़ी है बस। थैंक यू मानवी, बाय बाय, बाय बाय कर दो। बहुत प्यारी है। चलो ये देखो मिल गया, ले लिया। एंड दीदी ने भी दिया, दे देखो ये क्या है दीदी? धुंधुली, इसका नाम पता नहीं है। धुंधुली निकाल के देखे, ये सब जब पहले बार देख रहे हो देखो। गाइस आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना, ये सब्जी हम पहले बार देख रहे हैं। भैया क्या बोला था? बोलता है धुंधुली, भैया बोलता है धुंधुली। हाँ खा के देखना पड़ेगा ये। देखो केरला भी है, देखो ये दीदी अपना बगान का, वाह इतना सुंदर है तो, वाह होगा दीदी। भाई भाई अच्छा से बैठिए अपना, हाँ फिर से आएंगे दोबारा, हाँ तब इधर पे फिर मैगी खाने आएंगे। होगा होगा दीदी, श्योर श्योर, ठीक है ठीक है। मज़े से एक्सप्लोर करके आया, मज़ा आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया एंड भूख भी लगा। सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी अपना कैंप पहुंच गया हम लोग यहाँ पे तिलम पे, हॉट स्प्रिंग पे। हम लोग
टिफिन करेंगे, खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो अपना वीडियो जो है यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना, ओके। और हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बने रहना, ओके गाइस। हाँ।